बात अब उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की, जिनके वजह से, जिन चेहरों को आप रोज़ देखते हैं, जो सरकारों में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, उसमें कितना बदलाव हो गया है और होने वाला है, आज इस पर थोड़ी चर्चा होगी। ब्यूरोक्रेसी के लिए जो पिछला 3 महीना गुजरा है और आने वाला ये जो मार्च का समय है, ये 7-8 महीने के समय में यूपी के ब्यूरोक्रेसी की तस्वीर को काफ़ी बदल रहा है। काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिनके एक इशारे पर पूरी सरकार नाचती थी, अब वो नेपथ्य में चले गए हैं। बात उन दिग्गजों की है जो अब सेवा से रिटायर होने के कगार पर हैं, जिनके चेहरे आप रोज़ देखते थे अब आगे नहीं देख पाएंगे, जो शासन में, नीतिगत निर्णयों में, रोज़मर्रा के कार्यक्रम में, हर जगह मुख्यमंत्री और सरकार के आगे पीछे रहते थे, वो अब नज़र नहीं आएंगे। वो कितने महत्वपूर्ण थे, उनके जाने से क्या खालीपन आया और उनकी जगह अब कौन सी नई तस्वीर बैठेगी, इन सब चीज़ों पर आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हम अवनीश अवस्थी की, जिनका अगस्त में रिटायरमेंट हो गया। अवस्थी पिछले 5 सालों में योगी सरकार के लिए साये की तरह साथ रहे। वो जहाँ रहे महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, अपने विभागों के साथ साथ दूसरे विभागों के भी चीज़ों पर उनका काफ़ी कंट्रोल रहा। लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद से अब वहाँ एक खालीपन आया। वो चेहरा जिसे आप देखने के आदि थे, अब वहाँ पर एक नए चेहरे ने जगह ले ली। उसके बाद 2 नाम और ऐसे आए जो गुपचुप रिटायर हो गए, जिन पर लोग नज़र नहीं गई लोगों की, आलोक टंडन और डिंपल वर्मा। ये 2 लोग सितंबर में रिटायर हो गए। डिंपल वर्मा तो मुख्यमंत्री के जिले में DM भी रही हैं और उनके पति इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में ADG रैंक में तैनात हैं, ADG LO प्रशांत कुमार। अब नवंबर में आ जाएंगे राजन शुक्ला और शालिनी प्रसाद। शालिनी प्रसाद हालांकि यूपी में बहुत इंपॉर्टेंट पदों पर कम रही हैं, लेकिन राजन शुक्ला को सब लोग जानते हैं, वो भी मुख्यमंत्री के जिले में DM रहे हैं। उसके बाद जब आती है बात, 2023 की शुरुआत होगी। 2023 का जो 3 महीना है, उसमें कई बड़े नाम हमसे विदाई लेने वाले हैं। सबसे पहले जनवरी में ACS रैंक में जाएंगे सुरेश चंद्रा, जो इस समय उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग के ACS हैं, मिलनसार अफसरों में हैं, उनका रिटायरमेंट करीब आ गया है, अब वो जनवरी में रिटायर हो जाएंगे। हालांकि सरकार ने उनके पोस्ट रिटायरमेंट के लिए एक व्यवस्था कर दी है, वहाँ पर वो ज्वाइन करेंगे। फरवरी का जो महीना है वो काफ़ी बड़ा है। बड़ा इस लिहाज से है कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे राजेंद्र कुमार तिवारी, वो इस महीने में विदाई ले लेंगे हमसे। दूसरे नंबर पर बहुत बड़ा नाम है यूपी के IIDC, इस समय उत्तर प्रदेश में UPDA के CEO, औद्योगिक विकास के ACS अरविंद कुमार। अरविंद कुमार उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह रह चुके हैं। मेहनती अफसर हैं, सरल हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं। फरवरी में उनकी विदाई होगी, उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। उनके जाने से एक बड़ा खालीपन उत्तर प्रदेश की सरकार में भरोसेमंद अफसरों के मामले में आएगा। तीसरा नाम आप देख सकते हैं, जिसमें आराधना शुक्ला इसी फरवरी में, वो भी इसी महीने में, यानी कि 3 अफसर, राजेंद्र तिवारी, अरविंद कुमार और आराधना शुक्ला 2023 के फरवरी में ये ब्यूरोक्रेसी से विदा हो जाएंगे। इन 3 बड़े चेहरों की विदाई के बाद मार्च में उत्तर प्रदेश से एक और चेहरा विदा होगा। हालांकि वो इस समय भारत सरकार में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं और विशाखापत्तनम पोर्ट के चेयरमैन हैं K.R.M.R.A.O. तो राज्य की नौकरशाही में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। रिटायरमेंट जो होता है वो एक खालीपन लेके आता है। आप इसे पीढ़ीगत बदलाव के तौर पर भी देख सकते हैं और वक्त के साथ इन तस्वीरों को, इन निर्णयों को हमको आपको स्वीकार करना पड़ता है। तो 1989 के सुरेश चंद्रा के जाने के बाद 85 बैच के सबसे सीनियर IAS इस समय पर यूपी के मुख्य सचिव रहे RK तिवारी हैं, वो जाएंगे। 1988 बैच के अरविंद कुमार और 1989 बैच की आराधना शुक्ला। फिर
1994 बैच के IAS अफसर हैं के राम मोहन राव। राम मोहन राव उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक लगभग 11 जिलों में DM रहे हैं। इस समय वो भारत सरकार में हैं, विशाखापट्टनम पोर्ट के वो चेयरमैन हैं, वो उत्तर प्रदेश में कई मंडलों के कमिश्नर भी रहे हैं। सरल व्यक्तित्व हैं, जहाँ भी जिले में रहे उन्होंने आम जनमानस की मदद को अपना उद्देश्य बना के रखा। जिलाधिकारी के रूप में काफ़ी वो लोकप्रिय रहे। ऐसे लोगों की विदाई खालीपन लेकर आती है, इसमें कोई शक नहीं कि इनकी भरपाई करना मुश्किल होगा। हमेशा व्यक्ति से बड़ा संस्था को माना गया है, लेकिन जब व्यक्ति चला जाता है तो उसकी पूर्ति कर पाना कठिन होता है। ये जरूर है कि इस देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बहुत सारे नए लोग आएंगे, पुराने जाएंगे और नए लोग अपनी प्रतिभा से फिर वो एक नया मुकाम हासिल करेंगे।